अब देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमको क्या कह रहे हैं, एक पर्सन है एम मास का जो एन स्टेयर्स चढ़ता है, ठीक है, हर स्टेयर की हाइट कितनी है एच, ठीक है, और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने देता, तो हमें बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल। तो अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि ऐसे स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स बना देते हैं पहले इस तरह, ये एच हाइट, कितने स्टेयर्स चढ़ा, एन स्टेयर्स इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है, बहुत सारे स्टेयर्स हैं, इन पर चढ़ रहा है, तो एन स्टेयर्स चढ़ेंगे तो एन एच हो जाएगा। तो किसी के मन में ऐसा आ सकता है कि एन एम जी एच वर्क होना चाहिए या माइनस एन एम जी एच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो होगा क्या, इसने एक पैर अपना, पर्सन ने अपना एक पैर यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा पैर इस तरह से हवा में है, ठीक है। अब वर्क डन के लिए हमने क्या कहा था कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तब तो वर्क डन होगा, लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ना हो, बाकी सबका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो फोर्स तो लग रहा है ये वाले फुट पर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, ठीक है, तो इस पर लगा नॉर्मल, ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए वर्क डन कैसा आएगा, W इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मल का वर्क डन जीरो आएगा। जब तक ये नॉर्मल लगता रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर ये वाला यहाँ पर रख दिया जाएगा, नॉर्मल इस पर लगने लगेगा, लेकिन अब इसका डिस्प्लेसमेंट बंद हो गया, अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, फिर ये यहाँ रख देंगे, इस पर नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन अब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा उस पर फोर्स नहीं लगेगा और जिस पर फोर्स लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो वर्क डन कैसा आएगा, नॉर्मल का जीरो आएगा, लेकिन ये ऊपर तो चढ़ा है, ऊपर चढ़ा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है, तो फिर वो वर्क किसने किया जिससे ये ऊपर पहुंचा, तो वो वर्क इसने खुद किया है, इसके मसल्स ने किया है, ठीक है, क्योंकि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कौन थकता है, हम थकते हैं, क्योंकि वर्क डन हम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ नहीं थक रही, अगर नॉर्मल ने वर्क किया होता तो सीढ़ियाँ थक जाती, ठीक है ना, तो वर्क नॉर्मल ने नहीं किया, पर्सन ने किया है, इसलिए पर्सन को थकान हो रही है। तो इसका जो आंसर आएगा, हमें किसका वर्क डन पूछा है, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल होगा जीरो, मतलब ऑप्शन ए। अगर हमको पूछा जाता वर्क डन बाय पर्सन तो फिर उसका आंसर होता एन एम जी एच या उससे ज़्यादा, नोट कर लो इसको।